दोस्तों जो ये मैं उखाड़ रहा हूँ इसे सेहुआ कहा जाता है, हमारे यहाँ इसे सेहुआ कहा जाता है। अगर आपके यहाँ कोई दूसरा बोला जाता हो तो आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। ये देखिए ये भैंस भैंस के चारे के काम आता है, तो आप देख पा रहे होंगे पीले पीले फूलों से सेहुआ। तो ये देखिए किनारे किनारे बोया गया सेहुआ, तो यही उखाड़ने में आया हूँ आज। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मैं सेहुआ उखाड़ रहा हूँ किनारे किनारे से, ये लग जाऊँगा भैंस के चारे के लिए, इसलिए बोया जाता है, भैंस के चारे के लिए बोया ही जाता है। तो आपको दिख रहा होगा सेहुआ, तो रूरल विलेज लाइफ में आपको यही सब दिखाया जा रहा है कि खेती कैसे होती है, तो ग्रामीण जीवन कैसा होता है, ग्रामीण लोगों को कितना काम करना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे मैं सेहुआ अभी उखाड़ रहा हूँ, अभी ले जाऊँगा भैंस के चारे के लिए। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में दोस्तों, ग्रामीण जीवन जो है थोड़ा कठिन तो ज़रूर है लेकिन सेहतमंद रहते हैं लोग, बीमारी बीमारी बहुत कम पकड़ती है, इसलिए दिन भर काम है फुर्सत नहीं मिलती है, बीमारी कहाँ पकड़ेगी। तो आप देख पा रहे होंगे सेहुआ उखाड़ रहा हूँ मैं अभी खेत में, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ले जाएंगे इसको मशीन में काटेंगे फिर चारे के लिए यूज करेंगे भैंस के लिए। इतना हो गया है, थोड़ा और लेंगे हो जाएगा हमारे काम भर का, पैरे में काट के मिला देंगे और खिला देंगे भैंस को, इससे भैंस अच्छा दूध भी देती है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कहीं बोरिंग तो नहीं लग रहा है भाई? बोरिंग लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए, और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। अब ग्रामीण जीवन आपको दिखा रहे हैं भैया, हम कोई शहरी तो है नहीं, खेत खलिहान दिखाएंगे अपना आपको हम। ग्रामीण जीवन थोड़ा मुश्किल भरा होता है लेकिन मज़े बहुत आते हैं। तो क्या होता है ना ग्रामीण जीवन में, जैसे हर चीज़ तो आपको ऑर्गेनिक खाने को मिलेगा। ये देखिए ये सरसों का खेत है, सरसों आपको दिख रही होगी, और किनारे किनारे सेहुआ बोया गया हो, सेहुआ बोया गया है हमारे यहाँ, इसे सेहुआ कहते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ दूसरा कहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे आप थोड़ा पेड़, और एक अंजीर का पेड़ है, ये अंजीर फड़ी हुई है अभी कच्ची है। तो आप देख रहे हैं ग्रामीण जीवन में हर चीज़ आपको खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप गाँव में हैं तो आपको कुछ खाने नहीं मिलेगा। ये देखिए अंजीर अभी कच्ची है, अभी पक जाएगी तो हम लोग इसको खाएँगे। आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, वे कच्चे हैं, हरे हरे, पक जाएगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप लोग खरीद के खाते होंगे, हम लोग ऑर्गेनिक खाते हैं, पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट खाते हैं। ये देखिए ये मेरा खेत है, अभी मैं आया हूँ अपने खेत की तरफ थोड़ा सेहुआ ले जाने भैंस के चारे के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप रूरल विलेज लाइफ को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि हमको सपोर्ट होगा कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं तो हमारा वीडियो बनाने का और मन करेगा। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।